वहाँ पर रिएब्जॉर्ब कर लेगा। तो इससे क्या होगा, जो एसिडोसिस है तो ये इस तरीके से रेगुलेट हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ एच प्लस सिक्रीशन इंक्रीजिस एज बॉडी फ्लूड पीएच डिक्रीजिस। ये मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को बता दिया कि एच प्लस आयन जितना बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिक्रीशन ऑफ एच प्लस इनहेबिटेड व्हेन यूरिन पीएच फॉल बिलो, अगर यूरिन का पीएच 4.5 से बिलो होता है तो आपके पास फिर ये एच प्लस आयन जो है ये सिक्रीट नहीं होता, इसके सिक्रीशन यहाँ पे स्टॉप हो जाती। ये चीज़ें मैंने कुछ चीज़ें ये कवर की है। एसिडोसिस क्या है कि जितना आपके पास ये एच प्लस आयन बढ़ेगा ना तो ये एसिडोसिस काज करेगा। इससे क्या होता क्या है, ये आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के पीएच को कम करता है। एसिडोसिस में आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के जो पीएच है वो कम होता है, और जो HCU3 है ये भी क्या होगा, कम होगा या PCO2 एलिवेट होगा। लेकिन ये इतना इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो निमोनिक्स मैंने आप लोगों को बता दिए रोम ROME रोम को याद रख लेना, बाकी ये सारी चीज़ें सेम है। रिस्पायरेटरी में साइन अपोजिट होंगे ना, आपको कह रहे पीएच कम हो रहा है तो PCO2 एलिवेट हो रहा है। ठीक है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस आपके पास अगर पीएच कम है तो वो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि पाल इन HCO3 तो बाइकार्ब कम है ना, दोनों के साइन इक्वल है, पीएच भी डाउनवर्ड बाइकार्ब भी डाउनवर्ड, तो मेटाबोलिक एसिडोसिस हो गया। तो आपके पास अल्कलोसिस क्या है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर पीएच है वो राइज होता है। उसके लिए मैंने तरीका रोम में आपको बताया था कि अगर रिस्पायरेटरी में हम कहेंगे तो रिस्पायरेटरी में अपोजिट साइन होंगे, पीएच अपवर्ड होगा तो आपके पास PCO2 डाउनवर्ड होगा, और अगर आप मेटाबॉलिक में देखेंगे तो पीएच अपवर्ड होगा HCO3 भी अपवर्ड होगा। इस बेस पे हम इसको कहते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। लो पीएच एंड लो बाइकार्ब मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाई पीएच हाई बाइकार्ब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस लो पीएच एंड हाई PCO2, जहाँ पर लो पीएच एंड हाई PCO2, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में हाई पीएच एंड लो PCO2, ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें अकमुलेशन ऑफ एसिड, जितना एसिड बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर अकमुलेट होगा तो इससे क्या होगा, एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और हमारे पास जो बेस है वो लॉस हो रहे हैं। तो जब आपके पास एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, पीएच डाउनवर्ड होगा, कम होगा। कहाँ से कम होगा, जो नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बता दिया कि 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, तो 7.35 से ये बिलो आ जाएगा तो उसको हम कहते हैं एसिडोसिस। अगर आप वाइस वर्सा देखेंगे, 7.45 से अगर अबव जा रहे पीएच तो अल्कलोसिस काज करेगा, यहाँ पर एच प्लस आयन जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर एसिड लॉस हो जाएगा और बेसिस अकमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने काफ़ी डिटेल के साथ ये एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पीएच शिफ्ट, उसको हम केमिकल बफर सिस्टम कहते हैं, इसमें हमारे पास बाइकार्बोनेट फॉस्फेट प्रोटीन ये चीज़ें आती है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पीएच शिफ्ट जिसको हम फिजियोलॉजिकल बफर कहते हैं, इसमें हमारा रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म आता है जिसके थ्रू CO2 एक्सक्रीट होता है, और एक जो है रीनल मैकेनिज्म जिसके थ्रू एच प्लस आयन जो है वो एक्सक्रीट होता है। अच्छा, जो पीएच ये जो चीज़ें हम पढ़ते हैं एसिडोसिस अल्कलोसिस मेटाबॉलिक है क्या है, तो ये बेसिकली जब आप लोग क्रिटिकल एरियाज़ में जाते हैं और आपको ये कहा जाता है कि आप पेशेंट की एबीजीज़ निकालें।